नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ शीतल राज। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 22 मिनट में। आपके लिए शुरुआत बड़ी खबर से। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज यूपी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। राजनाथ ने गोरखपुर के उन इलाकों का हवाई सर्वे किया जो बाढ़ की चपेट में हैं। उन्होंने हालात गंभीर बताते हुए राहत के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। राजनाथ सिंह ने बताया कि गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1100 से ज्यादा मकान बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं और बाढ़ से अब तक 80 लोगों की जानें गई। गृहमंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत का काम संतोषजनक नहीं हुआ। हवाई सर्वे के दौरान राजनाथ सिंह के साथ गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने गृहमंत्री को बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों की जानकारी दी। गृहमंत्री के सर्वे के दौरान हेलीकॉप्टर से बाढ़ से डूबे गोरखपुर और आसपास के इलाकों का भयावह मंजर देखने को मिला। कई बड़े इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं और समा चुके हैं बाढ़ के पानी में। सैकड़ों घर डूब चुके हैं। बाढ़ ने खेत खलियान सबको तबाह कर दिया है। यूपी में बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की वजह से हुए हादसों में 7 और लोगों की मौत हुई है। नेपाल से निकलने वाले नारायणी नदी ने कुशीनगर के कई इलाकों को भी तबाह कर दिया है। खंडा और सेवरही इलाके के कई गांव बाढ़ में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन से कोई खास मदद न मिलने से लोगों की नाराजगी है। दर्जनों गांवों पर बाढ़ का कहर साफ साफ देखा जा सकता है। लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। गांव को मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें लबालब भर चुकी हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इन्हीं रास्तों के जरिए आवाजाही कर रहे हैं। यूपी के बहराइच में भी बाढ़ ने रेलवे लाइन को ध्वस्त कर दिया है। बहराइच से मैलानी जाने वाले रूट पर करीब 500 मीटर तक रेलवे लाइन उखड़ चुकी है। हालांकि रेलवे इस लाइन को जल्द ही चालू करने की जद्दोजहद में लगा है। से मैलानी जाने वाले रूट पर करीब 500 मीटर तक रेलवे लाइन उखड़ चुकी है। हालांकि रेलवे इस लाइन को जल्द ही चालू करने की जद्दोजहद में लगा है। बिहार के नालंदा में बाढ़ की चपेट में आकर सैकड़ों गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये सारे गांव बाढ़ के पानी से भर चुके हैं। 15 ब्लॉक्स के सैकड़ों गांव में लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। सभी लोग अपने परिवार और बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। नालंदा के बाढ़ पीड़ित गांवों को लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अब लोग खुद ही बाढ़ के पानी पर पुल बनाकर दूसरी जगहों पर निकलने के लिए रास्ता बना रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, बह गई हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। बिहार के नालंदा में बाढ़ का कहर जारी है। बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर निगम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में मोटर बोट की व्यवस्था की है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों का लेवल बढ़ गया है और कई गांव पानी में डूबने लगे हैं। पोखलेक नदी में आई बाढ़ ने यांगरूंग गांव को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। यांगरूंग के अलावा लीडम, तेने, कोयू, रीना और कई गांव भी जलमग्न हो गए। करीब 15 गांवों में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सारे रास्ते नदी से आए सैलाब में टूट चुके हैं। पासी घाट, बालिक रोड और पुल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही के लिए मजबूर हैं। गांव से शहर जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को खासी दिक्कत आ रही है। बहुत सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वहाँ से कभी मेडिकल इमरजेंसी होने से ये रास्ता को क्रॉस नहीं कर पाता है और पढ़ाई का ऐसे हम मेरा जैसा पढ़ाई का पढ़ाई करने वाला भी आने जाने के लिए बहुत तकलीफ मिलते हैं। यूपी के हापुड़ में दो गुटों के बीच में संघर्ष के मामले में पुलिस ने हंगामा और आगजनी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बवाल बहादुरगढ़ गांव में हुआ था, जिसके बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर धारा 144 लगा दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। इसके अलावा 2 पीएसी प्लाटून्स की भी तैनाती कर दी गई है। 15 अगस्त को एक कॉलेज में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में गुरुवार को बवाल बढ़ गया। कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद लोगों ने कई दुकानें और घरों को आग के हवाले कर दिया। हंगामे में 6 लोग घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की शिकायत कॉलेज प्रशासन से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा। हापुड़ में हिंसा के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। बाजार बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है।
तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। असम के गोलाघाट में हिंसा के बाद हालात में थोड़ा सा सुधार देखा जा रहा है। सुबह कर्फ्यू में ढील भी दी गई, लोग घरों से बाहर निकले और जरूरी सामान खरीदा। बीते मंगलवार को हुई हिंसा के बाद गोलाघाट में तनाव। गोलाघाट में सुबह सेना ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। हालात सामान्य होने पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। सेना की गाड़ियां शहर के कोने कोने में घूम रही हैं। गोलाघाट में सुबह सुबह पेट्रोल पंपों पर भी लोग देखे गए। कर्फ्यू में ढील के दौरान लोगों ने गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भी भरवाया। 19 अगस्त को हुई हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे अब सुधर गए। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गोलाघाट हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए। पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां भी बरसाई थी, जिसकी जांच ये आयोग करेगा। गोलाघाट हिंसा में अब तक 9 लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से फायरिंग की गई है। रात में आरएसपुरा सेक्टर के अब्दुलिया और कारोटाना पोस्ट पर पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार भी दागे गए। पाकिस्तान से हुई इस ताजा फायरिंग में एक नागरिक के घायल होने की खबर है। लगातार हो रही फायरिंग से इलाके में रह रहे लोग दहशत में हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत से लोगों की नींद हराम हो गई है। रात में हुई पाकिस्तानी फायरिंग का बीएसएफ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तस्वीरों में जवानों को जवाबी फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। इस तरह से रुक रुक कर फायरिंग का दौर कई घंटों तक चलता रहा। जम्मू कश्मीर में तबाही की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। राज्य के हंदवाड़ा इलाके में सेना ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। हथियारों के इस जखीरे को लेकर तबाही की बड़ी साजिश रची जा रही थी। हथियारों के साथ किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस जखीरे में AK-47 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड समेत कई आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए। सेना इसकी बरामदगी को बड़ी कामयाबी बता रही है। बताया ये भी जा रहा है कि ये हथियार आतंकियों ने ही छिपा कर रखे थे। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में रूटीन चेकिंग के दौरान ही भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। बरामद किए गए हथियारों में 7 AK-47 राइफल्स और चीन में बने हथियार और हैंड ग्रेनेड्स और गोलियां थीं। चीन की ओर से किसी भी तरह के हवाई हमले के खतरों के बचाव के लिए देश की पूर्वोत्तर सीमा पर जमीन से हवा में मार करने में सक्षम अत्याधुनिक आकाश मिसाइलों की तैनाती की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर में 6 आकाश मिसाइलें तैनात की जाएंगी। ये मिसाइलें देश की वायु सीमा में घुसपैठ करने वाले किसी भी विदेशी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन विमानों को चंद मिनटों में मार गिराने में सक्षम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू शनिवार को भारत चीन सीमा का दौरा करने के लिए लद्दाख जाएंगे। कुछ दिन पहले चीनी सेना के लद्दाख में घुसपैठ की खबर आई थी। रिजिजू चीन की सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। नेता विपक्ष के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में नेता विपक्ष बहुत ही अहम हिस्सा है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। संविधान बनाने वालों ने यह सोचा नहीं होगा कि कभी ऐसी स्थिति आएगी कि सदन में कोई नेता विपक्ष ही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 सवाल भी पूछे हैं। एक, सरकार की लोकपाल कानून को किस तरह से लागू करने जा रही है। दूसरा, कि लोकपाल के पैनल की नियुक्ति के लिए नेता विपक्ष का होना जरूरी है। अगर नेता विपक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकार किस तरह से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। नेता विपक्ष की अहमियत का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पद सदन में सरकार के अलावा दूसरे पक्ष की बात को सामने रखता है। लोकपाल की नियुक्ति में भी नेता विपक्ष की भूमिका अहम है, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार नेता विपक्ष के विवाद को सुलझाने में नाकाम रहती है तो वो निर्णायक फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 9 सितंबर को इस मामले पर आखिरी सुनवाई होगी। नेता विपक्ष मुद्दे और लोकपाल बिल को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी लोकपाल की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में आई है। लोकपाल के चयन में 5 लोगों की कमेटी होती है, जिसमें नेता विपक्ष भी होता है। कोर्ट ने नेता विपक्ष के मसले पर अटॉर्नी जनरल से 4 हफ्तों में अपनी राय देने को कहा है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर यह बता दिया था कि लोकसभा में नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके पास नियमों के मुताबिक जरूरी सदस्यों की संख्या नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें रमजान के दौरान महाराष्ट्र सदन में एक रोजेदार को कथित रूप से जबरन खाना खिलाने के लिए शिवसेना के 11 सांसदों को अयोग्य घोषित करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं उपलब्ध करा सके हैं जिससे ये साबित हो सके कि ये जनहित याचिका है। संबंधित पक्ष इस घटना के संबंध में FIR दर्ज कराने पुलिस के पास भी नहीं गए। जेडीयू ने इस्लामपुर से विधायक राजीव रंजन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। राजीव रंजन ने कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार को लेकर बिहार में अपनी पार्टी की सरकार की निंदा की थी। राजीव रंजन ने पार्टी से 6 साल के निलंबन के मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के इशारे पर उन्हें पार्टी से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि अब वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला को आत्महत्या के प्रयास के आरोपों के तहत शुक्रवार को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इम्फाल की स्थानीय अदालत के फैसले के बाद इरोम एक दिन पहले ही रिहा हुई थी। दोबारा अनशन पर बैठने के चलते उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक इरोम शर्मिला के कुछ खाने या पीने से इंकार किए जाने के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। मेडिकल जांच के लिए शर्मिला ने मना किया तो पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। शर्मिला AFSPA एक्ट का 14 साल से विरोध कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आपको अपने घर का सपना सच होता हुआ दिख सकता है। आज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी जिसमें अलग अलग कैटेगरी के 25,034 फ्लैट हैं। इसके लिए 1 से 9 सितंबर तक फॉर्म मिलेंगे। TDA फ्लैट के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर होगी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ड्रॉ निकाला जाएगा। ये मकान दिल्ली के नरेला, रोहिणी, द्वारका, वसंत विहार और जसोला इलाके में दिए जाएंगे। मकानों की कीमत 6 लाख से 22 लाख तक होगी। नए नियम के मुताबिक जिन लोगों को ये फ्लैट मिलेंगे वो इसे अगले 5 साल तक नहीं बेच सकेंगे। पहले रुपए कमाने के लिए लोग आवेदन करते थे और फ्लैट निकलने पर उसे बिल्डर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को बेच देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। फ्लैट के लिए दिल्ली या दूसरे किसी भी राज्य का रहने वाला, 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय आवेदन कर सकता है। आवेदक के पास अपना कोई मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए। पति और पत्नी में से दोनों का ड्रॉ में नंबर आता है तो केवल एक ही को फ्लैट मिलेगा। 700 फ्लैट EWS कैटेगरी के हैं। ये लो इनकम यानी कम आमदनी वालों के लिए है जिनके लिए आय प्रमाण पत्र देना होगा। फ्लैट दो कैटेगरी के हैं, सामान्य और EWS। सामान्य कैटेगरी वालों को 1 लाख रुपए जमा करना होगा। उनके घर की कीमत 14 से 22 लाख रुपए तक होगी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक चलती कार अचानक से आग की लपटों से घिर गई। कार में 2 लोग सवार थे। गनीमत रही कि कार से धुआं उठते ही दोनों आनंद फानंद में वक्त रहते बाहर निकल आए। दोनों के नीचे उतरते ही कार धू धू कर जलने लगी। नोएडा सेक्टर 151 में यह हादसा हुआ। बाद में कार सवारों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को आज और कल पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। न्यू ताहिरपुर इलाके में जल बोर्ड की पाइपलाइन की मरम्मत होनी है जिसकी वजह से पानी की सप्लाई को बंद रखा गया है। दिल्ली के नंद नगरी, सीमापुरी, न्यू सीमापुरी, सुंदर नगरी इलाकों में पानी सप्लाई ठप है। साथ ही दिलशाद गार्डन, हर्ष विहार, खेड़ा गांव, मंडोली इलाके में भी पानी नहीं आ रहा। इसके अलावा कई इलाकों में सप्लाई पाइप मरम्मत की वजह से रोकी गई है। इंदौर में एक धमाके के साथ नर्मदा पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया है। धमाका इतना तेज था कि सड़क पर गहरा गड्ढा भी हो गया। धमाके के साथ ही एक साइकिल सवार इस गड्ढे में गिरने से जख्मी हो गया। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने इस शख्स को बाहर निकाला। पाइपलाइन में हुए धमाके के बाद BRTS कॉरिडोर पर शिवाजी वाटिका के पास गहरा और चौड़ा गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन ठीक होने में वक्त लग सकता है जिससे लोगों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तमिल नेशनल अलायंस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में अरब के पत्रकारों के एक ग्रुप ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में मीडिया की दशा और दिशा को लेकर जिक्र हुआ। मंथन राष्ट्रपति भवन में कई IT प्रोफेशनल्स ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों ने IT प्रोफेशनल्स को संबोधित किया। केंद्र की मोदी सरकार अपने शासन के 100 दिन पूरे होने का जश्न मनाएगी। सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वो 100 दिनों का आकर्षक रिपोर्ट कार्ड पेश करें। माना यह जा रहा है कि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए BJP जनता के बीच में एक संदेश देना चाहती है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में आप ई रिक्शे में मुफ्त सफर कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए BJP ने जनता को लुभाने के लिए यह स्कीम निकाली है। ई रिक्शे में BJP के प्रचार के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं।
घुसखोरी के आरोप में गिरफ्तार फिल्म सेंसर बोर्ड के निलंबित सीईओ राकेश कुमार 28 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। इससे पहले गुरुवार को राकेश कुमार के लॉकर से करीब 1 किलो सोना बरामद हुआ। यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खां अपनी भैंसों के साथ एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उनकी भैंसों की चोरी नहीं बल्कि आवभगत की गई है। आजम खां की पंजाब से आ रही भैंसों का सहारनपुर में जोरदार स्वागत और खातिरदारी हुई। कहा यह जा रहा है कि आजम खां की भैंसों को लाल बत्ती और पुलिस फोर्स के बीच में एस्कॉर्ट करते हुए सहारनपुर से मुजफ्फरपुर ले जाया गया। हालांकि सहारनपुर के एसएसपी ने इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने भैंसों की आवभगत की खबरों को नकारा है। आजम खां के करीबी और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सरफराज खान ने ये भैंसे पंजाब से खरीदकर आजम खां को तोहफे में दी हैं। पंजाब से आते समय इन्हें रात में सहारनपुर में रखा जाना था। इसी दौरान पुलिस वालों ने इन भैंसों की जमकर खातिरदारी की। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री जयकुमार सिंह के बेटे ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आत्महत्या की कोशिश की है। मंत्री जयकुमार का बेटा यहां के सिंधिया स्कूल में 8वीं का छात्र है। उसने फांसी लगाने की कोशिश की। मंत्री जयकुमार के बेटे आदर्श को दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि उसने रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रबंधन से लेकर स्थानीय प्रशासन तक चुप्पी साधे हुए हैं। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में 13 साल के नाबालिग बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। बच्चे को सरकारी रिमांड होम में टॉयलेट की सफाई करने से मना करने पर पकड़कर पीटा। बच्चे के शरीर पर जख्म के गहरे निशान दिखाई दे रहे हैं। बच्चे ने बताया कि 4 लोगों ने उसे पकड़ा और 5वें आदमी ने पाइप के साथ पिटाई की। बच्चे की मां ने बताया कि पीटने के बाद उसे बंधक बनाकर रखा गया ताकि परिजनों को पता न चल सके। मां ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। निकाला उधर से, आज अंदर ही छुपा दिया। वो मार सभी कहा था ना, मैं दिखाऊंगे, कंप्लेन देंगा करके नहीं छुपा दिया। केरल में शराब के शौकीनों के लिए अगले साल से मुश्किल खड़ी होने वाली है। केरल सरकार ने फैसला किया है कि अगले साल 5-स्टार होटल्स के अलावा किसी और बार को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रविवार को ड्राई डे भी घोषित किया जा सकता है। केरल सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि 400 बार को दोबारा से लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जिनका लाइसेंस खत्म हो चुका है। साथ ही अगले साल जिन 300 बार के लाइसेंसेस एक्सपायर हो रहे हैं उन्हें भी रिन्यू नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क 15 से बढ़ाकर 25% कर दिया है। साथ ही रॉ शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से चीनी के दाम बढ़ना तय है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने मनोरंजन के लिए मुर्गों की लड़ाई कराने के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि पुलिस को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि पक्षियों और जानवरों के बीच में लड़ाई पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत बैन है। शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त देखने को मिली। पीएससी का सेंसेक्स 59 अंकों की बढ़त के साथ 26,419 और एनएससी का निफ्टी 22 अंक चढ़कर 7,813 पर बंद हुआ। नकली नोटों की तस्करी रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगले साल प्लास्टिक के नोट्स जारी कर सकता है। प्लास्टिक के नोटों में बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स होने की वजह से उन्हें चलाया जाएगा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मेरठ में छेड़खानी के विरोध में बदमाशों से लड़ने वाली बहादुर लड़की ममता को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है।